सो कैसे हो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त शौर्य और आज भाभी और मैं आ रखे हैं चावल लेने के लिए फिलहाल। और काजल घर में खाना बना रही है, भाभी मेरे साथ आई है, मैं भाभी के साथ आया हूँ चावल लेने के लिए। उसके बाद आज हम जाएंगे बोल्ट के इंजेक्शन के लिए डॉक्टर के पास और उसके बाद देखते हैं। अभी भाभी आधे घंटे के अंदर है पूरे, मतलब तोल भाव करके भाभी मतलब सामान लेती है, कोई भी मतलब मोल भाव करके, तोल भाव नहीं मोल भाव करके भाभी जब भी लेती है सामान लेती है। तो अभी भाभी ने ले लिया चावल, पूरा ये गोडाउन है यहीं से, मतलब अक्सर हम लोग चावल लेते हैं। तो भाभी यहीं से चावल लेते हो आप हमेशा? हाँ जो अच्छा रुको, गाड़ी में रखनी है चावल, ये चावल रखा गाड़ी में, दो कट्टे हैं ना। और ये है चावल ही चावल। मौसम आज थोड़ा अच्छा हो रखा है, लग रहा है कि बारिश आएगी, लेकिन बारिश आएगी नहीं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और ना ही वेदर फोरकास्टिंग में बारिश लिखी हुई है आज। काजल की मैं एक बात बताऊं, जब भी वो यमुनानगर आती है ना तो उसका ना दिल्ली जाने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों, शायद वहाँ हम अकेले रहते हैं, शायद इसलिए हो सकता है मे बी। क्या हुआ? तो इसलिए भाभी आ रही है, मेरी पता नहीं क्यों हंस रही है ये लड़की। चलते हैं घर, इसके बाद हमें जाना है आटा लेने के लिए। हैं काजल पूरा एंजॉय कर रही है लाइफ का, भाभी कह रही घूमने दो, घूम रही है हमें घूमने दो से काम करने दो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? सो अभी हम आए हैं वो डॉक्टर के पास बोल्ट के, तो यहाँ पे बोल्ट को लगेगा इंजेक्शन। डॉक्टर बोल रहे हैं कि एक बीमारी वाला इंजेक्शन लगेगा, दूसरा एक बूस्ट के लिए होता है इनका। हाँ। और एक होता है जैसे किसी को काट भी दिया कुछ हो गया तो सामने वाले को इन्फेक्शन ना हो, तो दोनों इंजेक्शन आज लगेंगे बोल्टों को। उसका हॉस्पिटल राजकीय पशु चिकित्सालय क्या बोल्टो ना, इसको देख के बोल्टो आज बोल्टो इंजेक्शन लगेगा, रोएगा तो नहीं बोल्ट। लग गया काजल इसको अच्छे से पकड़ लो, तुम गोदी में लो, तुम दिल्ली में भी इतना किया था काजल इसने। लग गया बोको हो गया, इतना नहीं बोल, परेशान रोना नहीं है, भोगो हो गया, अब खेल लो, ले जो मर्जी कर। अब भोगो हाँ, बिल्ड ब्रेक मी डाउन, यू बिल्ड मी अप, बिलीवर बिलीवर। ये फुली एक्साइटेड है नानी के घर जाने के लिए। बस गाइस, फिर हम ये एक और वीडियो डालेंगे, ये हर नानी घर भाई। वीडियो तो मैंने कब की स्टार्ट कर दी है, तो बोलते तो है ना, बोलते है ना, ये वीडियो में हर वक्त तो हर दो मिनट में बोलता रहेगा। तो बस गाइस, एक वीडियो में 10 बार व्हाट्सएप होता है। नानी घर जा रहे हैं, नानी घर नहीं, अभी हम जा रहे हैं आटा लेने के लिए, चूरने लेने। और ये लोकेशन मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, कभी मन करता है कि यहाँ पे मैं शूट करूंगा, कोई यहाँ पे खड़े होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन जनरली हमेशा रहती है। मोरे मिल्खा कौन था, पबजी खिला दिया। क्या खेलते थे? वो क्या थे? नंबर वन क्या स्टार, नंबर वन स्टार बोलते हैं उनको, मिल्खा सिंह। हाँ उनका नाम मिल्खा सिंह, वो मिल्की पीते रहते हैं क्या, उनका नाम ऐसे ही मिल्खा सिंह हो गया, तो मिल्की पीते रहते होंगे। अब तुझे मैं क्या बोलूं, मौर्य का कहना है मिल्खा सिंह का नाम मिल्खा सिंह इसलिए पड़ा क्योंकि वो मिल्क पीते रहते थे। ये मौर्य सिंह ने बताया। आ गए आटा लेके हम, आटा लेने के बाद मैं आया हूँ भाभी को ड्रॉप करने यहाँ पे सेंटर में, एक सेंटर में वो योगा
क्लास लेते हैं, तो यहाँ पे अभी वो योगा क्लास ले रही है। तो योगा क्लास के पास देखिए इतना प्यारा पार्क है, यहाँ का पार्क पीसफुल। अभी थोड़ी बारिश हुई है यहाँ पे, इसलिए मौसम थोड़ा इतना बढ़िया सा हो रखा है। कुत्ते पीछे। इस कुत्ते ने मेरे ले लिए, तू हो कुत्ते। अभी हम निकले हैं बाहर घर से और यहाँ शॉप अपनी सब चीज बंद हो चुकी है। देखो दूर दूर तक कोई भी चीज नहीं है यहाँ पे, ये भी सारी शॉप बंद। यहाँ से भी पूरा एकदम सन्नाटा आपको दिख रहा है और ये भी सारा पूरा सन्नाटा दिख रहा है। एक कुत्ता दिख रहा है बीच में, कुत्ते के पीछे मैं लेके जाऊंगा कैमरा। एक शॉप खुली है अपनी, पंजाबी किचन। रात को 12:30 बज चुके हैं, ये वाली शॉप खुली है। हर जगह अंधेरा। भाभी और अरविंद घर में वेट कर रहे हैं। तुम इसको क्यों परेशान कर रही है? एक गाड़ी आते हुए सामने से। लेट्स हैव सम केएफसी मोमोज। ये यहाँ के बेसिकली मोमोज है, इसलिए वो 1:15 बजे तक शॉप खुली थी, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो क्या देता है। ये मोमोज और ये स्प्रिंग रोल है। तुम बनाओ भाभी ऐसा घर में। बनाऊंगी। इस लड़की को ना शर्म नहीं आती, बच्चों को सुला के आगे बाहर, पति को भी वहाँ रखा हुआ है, बच्चों को भी, और यहाँ देगी ठूस रही है। और भाभी ने भी बोला था कि उसका केएफसी मोमोज खाने का मन था, तो इसलिए भाभी का मन होना हो पर भाभी खा ले। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सुबह हो चुकी है। रात को सोने के बाद ये महिलाएं लोग अपना नाश्ता ले रहे हैं, सब लोग घर जा चुके हैं। हम घर गए काजल को महिला बोला, काजल चिढ़ गई। महिला होगी तुम्हारी बीवी। इनहेल एक्सहेल। ओहो, ये है भाभी का मॉर्निंग का फूड, बिस्किट विद मैगी विद ब्रेड। वाह, देखो जो चीज होती है उसी में हमें फील करना चाहिए कि हम बर्गर खा रहे हैं। How's it? And काजल, ये बन रही है चाय। शराब भी कर लोगे ये? मेरे को भी शुरुआत नहीं है। ठीक भाभी के लिए मैं चाय बना के ले आया हूँ, मस्त फर्स्ट क्लास से पी के देख लिया। क्या अच्छी नहीं है? बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी है। थकान सारी दूर हो जाती है चाय की, मतलब बनाई थी मैंने कप पे, पर मैं जल्दी बाद में ये पी लिया करके। अभी भाई भाभी को फिर से मतलब ड्रॉप करके आना है, भाभी की क्लास है, तो तब तक मैं थोड़ा एक फुल्का खा लेता हूँ। आप वैसे आप सोच लोगे मैंने अभी ब्रेड खाया है, लेकिन ब्रेड नहीं, काजल ने मेरे लिए परांठी बनाई है, तो अभी मैं परांठी खाऊंगा। चलो ठीक है, वीडियो एंड करते हैं फिर। ठीक है काजल मैडम, मिलते हैं आपको। क्या बोलना? ओके गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं शिवानी की मम्मा, शिवानी की तरह बोलती हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज जल्दी जल्दी कर दो और इतने व्यूज ला दो कि हम हमारे रातों की नींद उठ जाए, जैसे हमारी उस वाली वीडियो में हम उठते थे और 2 मिनट बाद देखते थे, हम उठते थे 2 मिनट बाद 50,000 व्यूज बड़े होते थे। मतलब 3-4 दिन तो हमें ऐसे हुआ था कि हम उठ रहे और वीडियो देख रहे कितने व्यूज बढ़ रहे। एक ही घंटे में 50,000 व्यूज। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.